सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिंगापुर में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और सिंगापुर हम कैसे इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंट्री में आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उस कंट्री का आपको जियोग्राफिकल यानी कि उसका मैप, वहां पे कौन सा पोर्ट है, ओके, वो आपको पता होना चाहिए। कितने पोर्ट से आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, कौन से पोर्ट पे एक्सपोर्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए जब भी आप टारगेट करते हो अपनी कंट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। और दूसरी बात कि हमारा जो पास्ट में उसके साथ बिजनेस रिलेशन कैसा है, अभी क्या उसके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई अच्छी सी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड के बिजनेस के रिलेटेड कोई न्यूज है, वो आपको पता होनी चाहिए। और कितना पास्ट में एक्सपोर्ट हुआ, कितना ट्रेड हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच एक अच्छा सा बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में, जो और दोनों कंट्री एशियन जो समिट, एशियन जो समूह है, ओके, वो दोनों उसके मेंबर्स है और जो इंडिया है उसको लीडिंग मेंबर है। इंडिया ट्रेड विद सिंगापुर इज स्ट्रेंथनिंग डे बाय डे, यानी कि वो जो है ट्रेड है इंडिया और सिंगापुर के बीच में और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और प्रेजेंटली यानी कि 2019-20 में वो 17 बिलियन है, जो ग्रो अप करेंगे यानी कि जो नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर होगा उसको 25 मिलियन उसको बनाना है बाय 2019-20। इंडियंस एक्सपोर्ट टू सिंगापुर हैज आल्सो ग्रोन रिसेंटली, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू सिंगापुर ग्रो 23% द लास्ट, यानी कि जो लास्ट साल जो एक्सपोर्ट हुआ था उसका ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे 4% है। अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट आप सिंगापुर एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट इजीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डायपन, मरीन प्रोडक्ट, वो आप इजीली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नॉर्म्स है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पेट्रोलियम कंपनी है वही डायरेक्ट उसका वहां पे ट्रेड एग्रीमेंट रहता है। तो आपने बहुत सुना होगा कि ये इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मैं आपको बता के आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जो भी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूँ वो प्रोडक्ट जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, जो नए एक्सपोर्टर है, स्टार्टअप एक्सपोर्टर है, उसके लिए है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनियन, यहाँ पे रेड ओनियन, व्हाइट ओनियन, डिहाइड्रेट ओनियन और पाउडर, ओनियन का पाउडर वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है सिंगापुर में। क्यूमिंग सीड भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है सिंगापुर में, ये स्पाइसेस के अंदर आता है। केश्यू जो जिसको काजू कहते हैं वो भी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। पीनट्स में बहुत प्रकार के पीनट्स आते हैं, जावा, गोल्ड, ओके, उसके काउंट्स आते हैं। अगर पीनट्स के बारे में, अगर आपको पीनट्स है, रेड ओनियन है, क्यूमिंग सीड है, ओके, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ओके, तो मैंने जो अभी वीडियोस बनाई आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा प्रोडक्ट एनालिसिस, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा प्रोडक्ट एनालिसिस, तो यहाँ पे ये सभी प्रोडक्ट के मैंने सेपरेट वीडियोज बनाए हैं। उसके बाद है हनी का भी मैंने वीडियोज बनाए कि कैसे इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। राइस का भी वीडियो है और एक नेक्स्ट राइस का वीडियो अभी अपलोड होने वाला है। वीट फ्लोर का भी मैंने जबरदस्त वीडियो बनाई और आपका जबरदस्त राइस और वीट फ्लोर सभी वीडियोस का आपका जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो ऐसे ही आप रिस्पांस देते रहिए, लाइक करता रहिए, कमेंट करता रहिए और आपकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरी है आप उनको पूछिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर। रोज वाटर
रोज वाटर भी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, जिसका यूज होता है हेल्थ केयर के रिलेटेड, वो भी एक इजीली इजी एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। उसके बाद है सोयाबीन, सोयाबीन का भी अच्छी खासी मात्रा में बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है। कोकोनट्स पे काफी बहुत लिटिल लेवल में एक्सपोर्ट हो रहा है सिंगापुर में। कार्डम आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, छोटा शिपमेंट भी आप कर सकते हो, बाय एयर कर सकते हो या फिर बाय ई कॉमर्स कर सकते हो। उसके बाद है लाइव प्लांट्स भी आप इजीली, बहुत लाइव प्लांट्स है ओके, आप सर्च कीजिएगा तो इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड है लाइव प्लांट की सिंगापुर में। उसके बाद है ऑर्गेनिक स्पाइसेस ओके, ऑर्गेनिक स्पाइसेस जो है वीट, ऑर्गेनिक स्पाइसेस में क्या है, ब्लैक पेपर है, रेड टर्मरिक है, रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं रेड ऑर्गेनिक। उसके बाद है जगेरी, जिसको कहते हैं गुड, वो भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने होते हैं सिंगापुर में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी डाउट्स एंड क्वेरी आप कमेंट भी कर सकते हो डायरेक्टली, हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर है आप उसको व्हाट्सएप भी डायरेक्टली हमको कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।